नमस्कार, मैं आमिर हम मौजूद हैं कटिहार के शहीद चौक पर। और आपको बता दें, जैसे कि पता है प्रत्येक दिन यहां पर हजारों की संख्या में लोग गाड़ी लेके आवागमन करते हैं, लेकिन मामला यह है यहाँ जाम की समस्या काफ़ी देखने को मिलती है। कारण एक ही है कि यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर कटिहार के पुलिस अधीक्षक एसपी जितेंद्र कुमार के निर्देश पर आज कटिहार के ट्रैफिक इंस्पेक्टर दिनेश कुमार ने शहर के विनोदपुर स्थित डॉक्टर कॉलोनी में, जो नाम से मशहूर है, उसी इलाके में कई वाहन को जब्त किया है और कई वाहन को थाना ले जाया गया है। कारण एक है कि वे लोग अवैध तरह से अपने वाहन को पार्क कर देते हैं और जो भी लोग आते हैं अब उस वाहन को छुड़ाने के लिए मात्र एक ही विकल्प है, वो लोग थाना जाएंगे, जुर्माना भरेंगे, उसके बाद ही उसकी वाहन को छुट पाएगी। हमारे साथ आप देख सकते हैं कटिहार के ट्रैफिक इंस्पेक्टर दिनेश कुमार मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि आज कहां कहां वाहन चेकिंग किए हैं और कितने जगह कितने वाहनों को जब्त किया गया है। जी सर, कितने वाहनों को जब्त किया गया है, किस इलाके में किया गया वाहन चेकिंग? जो लोग रोड पर लगाए हुए थे, डॉक्टर कॉलोनी विनोदपुर से मैंने सब गाड़ी उठाया हूँ, 9 गाड़ियाँ मोटरसाइकिल उठाया हूँ। उसके बाद यहाँ शहीद चौक में भी चेकिंग किए हैं। ये निर्देश है एसपी साहब का कि कहीं गली गुली में, अभी तो 4 वो काटे हैं, बाकी काटा जाएगा। जो लोग को वाहन उठाए हैं, वाहन जब्त किए हैं, अब उस वाहन को छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें बिना फाइन कटे छोड़ेंगे नहीं? अच्छा, फाइन 2000 काटेंगे। एक आदमी का एक गाड़ी का कितना फाइन लगता है? 2000 काटेंगे। 2000 रोड बारिश करे 179 में काटेंगे। कहाँ से वाहन उठाए, कहाँ से? डॉक्टर कॉलोनी विनोदपुर में जाम रोड पर लगाए थे लोग, कोई सिस्टम से नहीं लगाया था। जो रोड पर लगा था उस गाड़ी को मैंने उठाकर किरान से ले आकर थाना पर रखा हूँ और वो 4 वो काट दिए हैं, बाकी लोग को काटा जाएगा। तो आपने सुना कटिहार के यातायात प्रभारी दिनेश कुमार ने कहा और लोगों से अपील भी किया है कि कोई भी गलत तरह से अपने वाहन को पार्क न करें, जिसके वजह से जाम की समस्या उत्पन्न होती है। कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।